हेलो गाइस, तो फिलहाल आज हम लोग जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए, जो कि आप लोगों को पता ही कि आज 11 रमजान है, 11 रमजान है आज, और 11 नहीं 10 हमको लग रहा है, थोड़ी कंफ्यूजन है, आप लोग को आगे बता देंगे। लेकिन बात ये है कि हम लोग जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए, और इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोग को पता चली गया कि शायद मतलब क्या हमारे छोटी का ऑनलाइन शॉपिंग हो चुका है एक, और होगा इंशाल्लाह। बस यही कि अभी हम लोग गाय शॉपिंग करने के लिए, तो आप लोग को पूरा दिखाएंगे कि क्या क्या हम लोग खरीदेंगे, तो क्या हम लोग लेने जा रहे हो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तेल बचा रहे थे तब से हम लोग, गाड़ी को बंद करके निटोल करके वो भी चल रहे थे, तेल बचा रहे थे, बस मिलते हम लोग साइड में। थोड़ा सा भोला पे चेक करते हैं कि भोला में क्या क्या दिखता है। इंटर कर गए हम, देखते हैं भाई। ना कटवा लिए यहाँ पर, देख सकते हैं। इस दुकान का नाम मैं आप लोग को बता दूंगा, बाहर में जाके एक बोर्ड दे दूंगा, ताकि आप लोग भी अगर लेना चाहते हैं तो आके मतलब ले सकते हैं। बहुत ही कम रेंज में मिला, लेकिन बहुत अच्छा कपड़ा मिला यहाँ पे, बहुत सस्ता सस्ता मिलता है। और कपड़ा भाई, कपड़ा एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, काफी शानदार है। गीजा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक गीजा या फिर गीजा ऑर्गेनिक, जो समझिएगा, कपड़ा एक नंबर है। क्या हुआ जुनेद? हाँ, कौन सा पसंद है? क्या हुआ, तुम कपड़ा लिया? नहीं लिया। तो ये है हमारे जुनेद साहब है, जो कि हाफिज मुकम्मल हो गया, ये हाफिज है माशाल्लाह, देख सकते हैं इसका कपड़ा सिलाई हो चुका है। ये रंगीन लिया है, कौन सा कलर लिया है? सादा कलर लिया है, व्हाइट कलर का ही लिया है, लेकिन रंगीन लिया है कपड़ा, सत्ती कपड़ा व्हाइट लिया है। बोल रहे अभी हमको बोला कि रंगीन लिए थे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका दुकान थोड़ा दिखा देते हैं, थोड़ा जो प्रमोशन भी हो जाए, जो मेरे 100-250 व्यूज आते हैं वो भी देख ले, और खास कर हमारे सामने में मतलब हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग भी देखते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग आगे यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये बुक स्टोर का नाम आप समझ सकते हैं, अनस क्लॉथ एंड बुक स्टोर, बुक स्टोर भी है। अच्छा, बुक स्टोर है, उसके साथ साथ में कपड़ा भी कर रहे हैं, और इधर आपको पूरा हिजाब वगैरह मिल जाएगा। और अपोजिट साइड में देख सकते हैं, ये जस्ट रोड है, और यहाँ पे आपका क्लोनिक है, जो कि हड्डी रोग केंद्र, जो कि आप लोग कौन सा डॉक्टर MM अंसारी है ना, डॉक्टर MM अंसारी, वहाँ की जस्ट अपोजिट साइड में है ये दुकान, आप लोग आके ले सकते हैं। बहुत ही शानदार सुंदर कपड़ा है, कम रेंज में मिल जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है, फ्री प्रमोशन। मौलाना साहब देखिए, इतना सूफी लड़का नहीं मिलेगा कि फ्री प्रमोशन कर रहा है। क्या मुस्तफा जी? जी जी, आपका आप जब दुकान खोलेगा ना, तो इंशाल्लाह बगैर फ्री के प्रमोशन नहीं करेंगे, पक्का है इंशाल्लाह। फाइनली हम लोग का हो गया कंप्लीट लेना, एंड इधर है आजम लोग सब कोई। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं और देखते हैं एजाज को फोन करके, वो फ्री है तो उससे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। जिसे मिलने था उससे हम लोग मिल लिए थे ना, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं घर, और कुछ सामान लेना, सामान लेकर घर चलते हैं, और ब्लॉग पे एंड करेंगे घर पे, ठीक है, कुछ दिखाना है आपको। मैं आप लोग को दिखा नहीं पाया कि वो किस तरह से लग रहे थे, फिलहाल ईद के दिन आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। ईद के ब्लॉग बहुत शानदार से बनाएंगे, और वही ईद के ब्लॉग में आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से दिखा देंगे कि छोटे का फ्रॉक किस तरह से लग रहा था, ठीक है। एंड रिकॉर्ड किए थे, और शायद डिलीट हो गया है, मिल नहीं रहा है, ठीक है, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।